कोलकाता की सबसे पुरानी और हिस्ट्रिकल मिठाई के बारे में आपको पता होगा, जिसको बोलते हैं दिलखुश। लेकिन ये दिलखुश मिठाई को खाने के बाद आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इसको बनाया कैसे जाता होगा? भट्टी का दिखा दूं प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। ये देखिए, प्रॉपर इतनी बड़ी भट्टी लगाई गई है और उसके अंदर ईंधन डाला जा रहा है। सबसे पहले हमारा दिल खुश कर देने के लिए जो मिठाई का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है कढ़ाई से। इस कढ़ाई के अंदर चीनी डाली गई है, उसके अंदर चीनी डाल दी गई है, पानी डाल दिया गया और इस भट्टी का टेम्परेचर बहुत हाई फ्लेम पे कर दिया गया है। ये देखिए, यहाँ बहुत सारे ईंधन को लगा करके ना कुछ इस तरीके से भट्टी में आग लगा दी गई है। उसके बाद फिर बेसन डाला जाएगा इसी के अंदर, खोलने लग जाता है। उसके बाद डाल देते हैं हम बेसन। बेसन को छाना जाता है कढ़ाई के ऊपर ही। ये देखिए, अब इसको पूरा वहाँ खड़ा रहिए, पूरा पक जाएगा, देख लीजिएगा। थोड़ा सा दूर में रहिए, और ये चीज बहुत ज्यादा मतलब 20 मिनट टाइम लगता है, 20 मिनट टाइम लगना है इसमें। और इतनी ज्यादा गर्म है, यहाँ पर देखिए भैया ने हाथ पे प्रॉपर तरीके से ग्लव्स पहना हुआ है, क्योंकि ये छींटे पड़ जाएगी तो फिर जल सकता है। और ये क्या कर रहे हैं भैया? ये अमूल दूध किसमें डाला जाएगा? ये अच्छा, ये जो बन रहा है इसके अंदर डाला जाएगा, मतलब जो पाउडर वाला दूध होता है वही है ना ये, उसको पूरा मिक्स करके फिर से इसके अंदर डाला जाएगा और लगभग 20 से 30 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाया जाएगा। सबसे ज्यादा जो लास्ट प्रोसेस होता है वो सिर्फ यही है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरे का काम है एक तरीके से, मेन काम देखा जाए तो यही है। यहाँ पर जब हमारा दिलखुश बनके जो प्रॉपर रेडी होता है तो मेन काम यही है। तो इसको 20 मिनट तक इसी तरीके से चलाते रहेंगे। और एक बार मैं फ्लेम दिखाना चाहूंगा कि भट्टी का जो फ्लेम है वो आप देख लो कितना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रखा गया है यहाँ पर। तो अब इसके अंदर डाला जा रहा है थोड़ा सा तेल, इसको मिक्स कर दिया जा रहा है उसके अंदर। एंड उसके बाद हमारा इसको डालने के लिए सांचे को प्रिपेयर किया जा रहा है। ये आ गया यहाँ पर सांचा, और इस सांचे के अंदर हमारा वो सारा बेसन का टेक्सचर जो कि चाशनी के साथ मिला करके बनाया गया वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे। देन उसके बाद फिर इसकी कटिंग की जाएगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपने इससे पहले कभी भी दिलखुश को इस तरीके से बनते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो एक बार कमेंट जरूर करना कि आपकी ये फेवरेट मिठाई है अगर आप कोलकाता से हैं तो। ये ऊपर से क्या डाला जा रहा है भैया? बादाम पिस्ता, इलायची, इलायची का पिसा हुआ मसाला डाला जा रहा है इसके अंदर। और कंटिन्यूसली एक चीज बताना चाहूंगा भैया, लगभग यहाँ पर 15-20 मिनट से वैसे ही पूरी तरीके से इसको चलाया जा रहे हैं, मिक्स करा जा रहा है, अच्छे से टेक्सचर्स में लाया जा रहा है। एटलीस्ट कम से कम कितने मिनट लग जाते हैं इसको प्रॉपर चलाते चलाते? 20 मिनट कम से कम, आधा घंटा तो लग ही जाता होगा। एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ 35-30 मिनट तो हो ही चुके हैं। तरीके से जैसे आप देख रहे हो कंटिन्यूसली इसको चलाया जा रहा है और मेरे सामने सामने कम से कम 5 से 6 बार इसके अंदर ऑयल जा चुका है, जिससे इसका टेक्सचर और निकल के आ जाएगा। और इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर अमूल का दूध आ रहा है, और इस अमूल के दूध को प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लिया जाएगा इसी के अंदर। और ये भी जा रहा है हमारा, और इसके बाद इसके अंदर क्या आ रहा है? मैदा। उसके अंदर आ रहा है मैदा सबसे लास्ट में। अब इसको गाढ़ा कर दिया जाएगा और अच्छे से, और इसके बाद फिर से इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल आएगा और फिर से इसी तरीके से कंटिन्यूसली चलाया जाएगा। आप पूरा लो रोकने तक भैया। तो गाइज, अभी इस कढ़ाई का लास्ट प्रोसेस आ गया है कि जहाँ पर हमारी सांचे के अंदर इस कढ़ाई के अंदर का जो मटेरियल है वो डाला जाएगा, क्योंकि बहुत हाई फ्लेम है। ये देखिए भाई, बहुत तेज से इसको फेंका जाता है, इसीलिए भैया ने बोला मुझे कि थोड़ा सा साइड में हो जाइए। और उसके बाद अब इसको गर्म ही गर्म इस तरीके से कर दिया जाएगा। अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है, ओके, इसको उठा करके ले जाया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इतना ज्यादा गर्म है अभी ये यहाँ पर, और बहुत ज्यादा इसकी मतलब इसकी जो तासीर टाइप है ना, जो मेरे को यहाँ पर गर्मी गर्मी लग रही है, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि ये लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं यहाँ पर, और इसी गर्मी में इनको हमारी ये इतनी प्यारी सी मिठाई है उसको बनाना पड़ रहा है। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो सारा यहाँ से निकल जाएगा। देन उसके बाद जो मेन चीज़ इसके अंदर रह जाएगी उसकी कटिंग होगी।
पे एकदम से पूरा अंदर से फिक्स कर दिया जाता है, और इसकी उसके बाद कटिंग होती है, और कटिंग का जो प्रोसेस है वो गरम हल्का रहता है उसी वक्त कर ली जाती है, क्योंकि हार्ड हो जाएगा तो फिर कटेगा नहीं, राइट। ये क्या डाल रहे हैं? अच्छा, इसके ऊपर घी डाला जा रहा है। ये घी क्यों यूज करते हैं? अच्छा, तो कटिंग करने के टाइम पर इसके अंदर घी यूज किया जा रहा है, ऊपर से घी डालते हैं तो इसका फ्लेवर और अच्छा सा निकल के आता है और खाने में और टेस्टी लगता है। बेसिकली जो लोग कोलकाता से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उन्हें पता होगा कि इस चीज को कितना ज्यादा लोग यहाँ पसंद करते हैं। उसी साइड से इसको प्रॉपर शेप में काटा जा रहा है, क्योंकि इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। और आपने देखा कि वीडियो में कि साइड से जो इसकी रो लगी हुई थी लकड़ी की, उस छाचे को निकाल दिया गया है। अब जिस साइड काटने के बाद इसके बाद ये पहुंचेगा दूसरी साइड, वहां पर इसकी पैकेजिंग होगी। और एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए पैकेजिंग करने के लिए भी इसका प्रोसेस अलग होता है, क्योंकि इसको जरा सा भी अगर आप छुओगे तो टूट सकता है। एकदम बहुत सावधानी के साथ भैया ने यहाँ पर इसको रखा हुआ है और दूसरी साइड इसको पैक करा जा रहा है। तो भाई ये जो हमारा दिलकुश है वो यहाँ पर गरम गरम पैक किया जा रहा है। ये देखिए पॉलिथीन में इस तरीके से पैक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दिया जला रखा है और उसके साथ इसको चिपका दिया जाता है। आउटलेट छोटी मोटी प्रोडक्ट को नहीं प्रेफर करता, बहुत सारी बल्क क्वांटिटी में यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं। मेनली मैंने आपको मेकिंग दिखाई दिलखुश की, तो इस तरीके से इसको पैक किया जाता है। अगर किसी को कंटेनर में चाहिए होता है तो कंटेनर में भी ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ये देखिए कंटेनर में कुछ इस तरीके से पैक होकर के जाता है। तो मैं एड्रेस की बात करूँ तो आपको इस वीडियो में ये दिखाई पड़ रहा होगा कि ये कुछ इस तरीके से इनके कंटेनर रहते हैं और इनकी कंपनी का नाम है चंदना स्वीट्स, राइट सर। और ये पड़ती है नफनगर में। हाली सर, और ये जो कंटेनर है इसमें कितने किलो आता होगा? ये किलो ऐसा नहीं आता, वैरायटी सर, मैंने पीस हिसाब, पीस के हिसाब से आता है। ये कॉन्टैक्ट नंबर 9339362833। ओके, और इसको कोई टाइमिंग पीरियड रहता है? हमेशा खुली रहती है, ऑल टाइम संडे को क्लोज रहता है।